हज़रत अब सैद खुदरी रदी अल्लाह तसमिया के नबीरम सल असम के पास ख़वात आईं और उन्होंने ये कहा गा अलई कर रजा लो ये उनका शौक़ था रसूल अक्रम सम से ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेने के लिहाज से गाला बाना अलई कर रजा लो या रसोल्ला सल्लम आपसे वक्त लेने के लिहाज से हम पर मर्द गाले बचे हैं आप से वक्त लेने के लिहाज से अलई का का ये मतलब है बना अलई कर रिजा लो गालिब तो हम पर आए हैं लेकिन किस वजह से किस लिहाज से आपके पास बैठने के लिहाज से इतना वक़्त हमें नहीं मिलता जितना मर्दों को मिलता है और हम औरतें भी रहनुमाई हासिल करना चाहती हैं और फ़ैज़ पाना चाहती हैं फ़ज अलना मिन मुन्फसी का तो अपनी तरफ़ से एक दिन हमारे लिए मखसूस फरमा दो कि वो हमारा ही दिन हो उसमें मर्द शरीक ना हो एक दिन हमारे लिए आप मखसूस फरमा दो तो रसूल अक्रम दिन का वादा फरमाया कि फ़लाँ दिन सिर्फ़ तुम्हारा वक्त होगा मर्दों को इजाज़त नहीं होगी लाके या हन्न फ़ी है उस दिन में रसूल अक्रम उनसे मिले फ व हन्ना उनको वाज़ किया और व अमारा हन्ना उन्हें अहकाम सुनाए फ़काना फ़ी माँ कल हन्ना उस दिन जो कुछ रसूल अक्रम सम ने उन्हें इर्शाद फरमाया उसमें से ये बात भी थी मा मिन कन्ना इमरा तुकदम सलासम वाला दिहा जो औरत भी अपनी औलाद में से तीन को आगे भेज दे आगे भेज दे का मतलब ये है कि उसके तीन बच्चे फौत हो जाए तभी मौत से ये नहीं कि मार मार के ख़ुद आगे भेज दे आगे भेजने उसकी तरफ नस्बत इसलिए है कि उसके हाँ जन्म लिया उन्होंने तो फिर ही फौत हुए तो इस तरह तभी मौत से तीन बच्चे जो हैं जिसने आगे भेज दिए इल्ला कान हिजाब अन्नार मगर ये कि वो तीन बच्चे उसके लिए जहन्नम के आगे हिजाब बन जाएंगे यानी जन्नत में उस माँ को दाखिल नहीं होने देंगे वो बच्चे उस औरत के जन्नती बनने का बायस बनेंगे तो एक औरत ने कहा व इसनैन इसको कहते हैं अतफ़ तलकीनी, यानी सलासन की जगह तकद्दम इसनैन कि अगर कोई औरत दो बच्चे आगे भेज दे कि उसके तीन ना फौत हुए हों बल्कि दो फौत हुए हों फ़क़ अव इसनैन तो रसूल अक्रम सम ने जवाब में फ़रमाया कि हाँ अगर उसके दो बच्चे भी आगे गए हैं और उसने सब्र किया है तो इस पर भी उसको अल्लाह ताला जन्नत अता फ़रमाएगा लफ्ज़ वलद जो है ये मुनस मुज़क़्कर दोनों को शामिल है यानी तकदमू सलासम वाला दिहा ज़रूरी नहीं कि वो तीन बेटे ही हों यानी बेटियां बेटे सब जिस तरह हमारे उर्फ में लफ्ज़ औलाद मोनस मुजक्कर दोनों पर बोला जाता है कि उसकी औलाद कितनी है उसमें जो बेटे हैं वो भी बताए जाते हैं और बेटियां भी बताई जाती हैं सिर्फ़ बेटों को औलाद नहीं कहते तो अरबी ज़ुबान में इस तरह ये लफ्ज़ वल जो है ये मोनस मुजक्कर दोनों पर बोला जाता है बेटों पर और बेटियों पर मगर मौजूदा जो जदीद अरबी है उसमें वलद का लफ्ज़ बेटे के लिए बोला जाता है यानी इस वक्त जो राइज है मगर ये जो कुरानी अरबी है इसके लिहाज से यानी वल ये या हदीर शरीफ़ में जो है मोनस मुजक्कर दोनों पर इसका इतलाक़ होता है यानी इस मुराद जो है वो नाबालिग है उसमें आजमाइश ज़्यादा होती है यानी मोहब्बत के लिहाज से बालग हो के जो है वो जब नाफरमानी करते हैं और अकड़ते हैं तो इससे फिर वो इम्तहान नहीं होता माँ का या बाप का जो छोटी उम्र में होता है उनसे मुनसरिक होने के लिहाज से बाकी जो मुसंद इमाम अहमद में और इबन माजा में हदीस है उसमें एक तक का सवाल है यहाँ तो पूछा गया कि अगर दो बेजे हों तो आगे बात ख़त्म हो गई है तो जो इबन माजा में हजरत बिन जबर रदी अल्लाह तुम से रवायत है तो उसमें अकील लाद कि या रसूल अल्ला वसलम अगर किसी का एक बच्चा फ़ोत हुआ हो या बच्ची फ़ौत हुई हो तो उसके लिहाज से क्या हुक्म है कला ववाहद तो रसूल अक्रम फरमाया वो एक बच्चा या एक बच्ची वो भी अपने वालदान के लिए चूँकि यहाँ तो सिर्फ़ वालदा का जिक्र है इजतम औरतों का था दूसरी जगह वालद का भी जिक्र है कि वो उनके लिए जन्नत का बायस बनेगा उनको जन्नत में ले जाएगा या वो बच्ची ले जाएगी यहाँ तक कि इस आगे फिर सिख का भी बयान किया गया यानी ये तो वो थे जो पैदा हुए और अभी बालग नहीं हुए थे और छोटी उम्र में फौत हो गए सिख वो है जो नातमाम बच्चा हो और पूरी तरह उसके आज़ाबी नहीं बने थे और इस हालत में हमल ज़ाया हुआ वो भी अपने अपनी अम्मी और अब्बे को उस नाफ़े के साथ बांध के जन्नत ले जाएगा कि जिसके ज़रिए से उसको शिकम मादर में ख़ुराक मिलती थी और दूसरी जगह इसके लिए लफज फ़रत बोला गया कि मनकान लहू फरतान जा मितमजी में है जिसके दो फर्त होंगे यानी जो जाके आगे बंदोबस्त कर लेंगे उनकी जन्नत का तो हतादी रदी अल्लाह तह ने का वन का नहुफ़रतुन जिसका एक हो खलावा मन लहू फरतुन तो रसूल अक्रम सला व्म ने फरमाया जिसका एक है वो भी जाके फ़र्त बनेगा यानी उनकी जन्नत का बायस बनेगा तो सिद्दीक हताका रजिय तह ने फिर कहा का वम यक़ुल्लु फ़रतुन कि जिस का कोई भी ना हो यानी उसके यहाँ बच्चा पैदा ही नहीं हुआ ना बच्ची ना बच्चा तो उसके लिए क्या है तो यहाँ फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना लहू फरतन लन तुसाबु बिसली इन उसका आगे जाकर जन्नत का बंदोबस्त करने वाला मैं हूँ क्योंकि लन तसाबू बे मिसली मेरी वजह से जो गम उम्मत को लाक हुआ वो और किसी वजह से हुआ ही नहीं यानी जो मेरे विशाल की बुनियाद पर जो उस वक़्त ज़िंदा थे उन्हें उस बुनियाद पर और जो क्या मत तक आएंगे उन्हें इस बुनियाद पर कि उन्होंने देखा ही नहीं और इसलिए तो रसूल अक्रम सम ने अपने आप को फ़र्त करार दिया कि जो आगे जा के उन पहले उनकी जन्नत का अहतमाम करेंगे फिर इस अदीस की मख्तलिफें तो हजबू हदी अल्लाह तुम से जो मरवी है उसमें फिर उस सवाल का जवाब है काला सलासा लम यब हिंसा कि ये जो है कि तकद्दम सलासासन जो तीन बच्चे आगे भेजे तो उस हदीस में है लम यब हिंसा जो अभी बालग नहीं हुए थे उससे पहले यानी निकबल बबलू तो फिर बाकी जगह भी यही मुराद होगा कि ना बाल बच्चे जिसके यूँ फौत हुए और उसने उस पर सब्र किया